मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर जो बयान हुआ, उस बयान को लेकर काफी ज्यादा जो मामला है वो बिगड़ता नजर आया। हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, रांची कई जगहों पर हिंसक झड़प जो है देखने के लिए मिली, पुलिस और साथ ही साथ एक समुदाय के लोग के बीच में। ऐसे में प्रयागराज में भी हालात जो है बद से बदतर होते नजर आए। काफी ज्यादा जो है पुलिस और एक समुदाय के लोगों के बीच में झड़प देखने के लिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अब ऐसे में आखिर प्रयागराज का ये दंगा किसने भड़काया? जुम्मे की नमाज के बाद किस तरीके से लोग एक दूसरे के जो है वहां पर जमा हो गए और खून के प्यासे हो गए, नारेबाजी करने लगे, आखिर इसकी प्लानिंग किसने की थी? तो बता दें कि प्रयागराज के जो हिंसा हुआ, जो प्रयागराज में ये जो झड़प देखने के लिए मिले, उसका जो मास्टर माइंड था जावेद अहमद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके फोन से कई सारे संदिग्ध तत्व भी जो है देखने के लिए मिले, जो कि ये साफ तौर पर चीख चीख के बयां कर रहे थे कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में जावेद अहमद का हाथ था। अब ऐसे में ये योगी राज है और योगी आदित्यनाथ इस तरीके की हिंसा को, कानून व्यवस्था में किसी तरीके की खलल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन हिंसा हुई थी उसी दिन ये कहा था कि जो लोग भी हिंसा कर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़े निर्देश दिए गए थे। और अब ये कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो मेन अक्यूज्ड थे, जो मेन आरोपी थे प्रयागराज वायलेंस, जावेद अहमद को नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजा गया है उनको प्रयागराज विकास प्राधिकरण के तरफ से, जहां पर उनके घर के निर्माण को अवैध बताते हुए 11 बजे तक आज खाली करने का आदेश दिया गया था, ताकि 11 बजे तक वो घर को खाली कर दे, उनके घर पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। जो नोटिस दिया गया था आखिर उसमें क्या हुआ था, क्या ऐसा लिखा हुआ था जिसमें आपसे आपको ये पता चलेगा कि क्या कुछ उन्हें दिशा निर्देश पहले दे दिए गए थे, ताकि वो ये ना कह पाए कि उन्हें प्रशासन द्वारा अलर्ट नहीं किया गया था या उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया है। उस नोटिस की तस्वीर भी अब सोशल मीडिया पर आपको साफ तौर पर देखने के लिए मिल सकती है। बता दें नोटिस में लिखा है, महोदय आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के जो है प्रावधानों के विपरीत अधिकृत रूप से निर्मित भवन प्रयागराज पर प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना लगभग 25x60 फीट की साइज में भूतल और प्रथम तल का निर्माण कराया गया है। इसमें लिखा है जिसके लिए आपको कारण बताओ नोटिस अधिनियम 1973 की धारा 27A के अंतर्गत जो है 10 तारीख को, यानी 10 तारीख पांचवा महीना 2022 लिखा हुआ है, को जारी किया जाता है, जिसमें सुनवाई की तिथि 24 तारीख की रखी गई है। 24 तारीख को जो है डेट उन्होंने बताया गया है, परंतु उक्त तिथि को यथा समय आप स्वयं अथवा आपके प्राधिकृत अधिवक्ता उपस्थित नहीं अगर होते हैं, तो मतलब जो है नहीं, और कोई अभिलेख प्रस्तुत अगर नहीं किए गए, तो फिर 25 तारीख को भवन ध्वस्तीकरण हेतु आदेश पारित किए गए हैं, जिसका जो है जिसका तमिला स्थल पर चस्पा के माध्यम से, यानी साफ तौर पर यही लिखा गया है कि 24 तारीख को आपको पहले तो कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और आपको बताना पड़ेगा क्या है नहीं है। 24 तारीख को अगर कोर्ट में आप पेश नहीं होते हैं तो 25 तारीख को जो आपका भवन है उसको ध्वस्त करने को लेकर नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये नोटिस जो है, एक और तस्वीर साझा की गई है जो इनके घर के बाहर ये नोटिस जो है चिपकाया हुआ देखा जा सकता है। तो ये इन्हें दे दिया गया है, आज भी उनके घर को खाली करने के लिए कहा गया है। 11 बजे तक का सुबह समय दिया गया था, तो ताकि जो उनका घर है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो जो भी दंगे फसाद में इन्वॉल्व्ड है, जो लोग भी दंगे फसाद करवा रहे हैं या किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व्ड है, उन पर सख्त कार्रवाई जो है यूपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। घरों का ध्वस्तीकरण साफ तौर पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में, तो बुलडोजर द्वारा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को विरोध में जो डिबेट हुई थी, उसके विरोध में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमकर बवाल हुआ था। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ ने अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। वहीं आपको बता दें कि पत्थर की चपेट में आने से कई
कई सारे अधिकारी घायल हो गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि एडीजी और कमिश्नर को भीड़ में घुसकर मोर्चा संभालना पड़ा। आरोपियों ने बच्चों को आगे कर दिया, यानी देख सकते हैं बच्चों को ढाल बनाया गया, बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी की गई। इससे पूरे बवाल का मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप को बताया गया। कथित सोशल एक्टिविस्ट जावेद के मोबाइल फोन से पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें मिली है। हिंसा मामले में जावेद अहमद समेत जो है कुल 68 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दो थानों में 70 लोगों पर नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ गैंगस्टर और NSA समेत 29 गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है। तो साफ तौर पर मामला काफी गंभीर है, एक्शन लेती हुई यूपी सरकार नजर आ रही है। आने वाले वक्त में जावेद अहमद नहीं और भी लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने की बातें निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। यहां पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, जो है इस तरीके की हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को भंग करने, पीस को भंग करने, शांति को जो है भंग करने और लोगों को नुकसान, अधिकारियों को नुकसान और देश के जो है एक शांति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई योगी सरकार द्वारा देखने के लिए मिलेगी। बता दें कि SSP अजय कुमार ने बताया कि जावेद अहमद के अलावा और भी कई लोग हिंसा के मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी तलाश जारी है। लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन पर पत्थर फेंकने के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया, ये जानते हुए कि पुलिस बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगी, एक्शन नहीं ले सकती है। यानी बच्चों को ट्रेन किया गया, प्रॉपर उनका इस्तेमाल किया गया और बच्चों की आड़ में, पहले औरतों की आड़ में ये करते थे और अब बच्चों की आड़ में इन्होंने पत्थरबाजी की। बता दें सभी आरोपियों पर गैंगस्टर और NSA के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि शहर में सुनियोजित साजिश के तहत जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काया गया। इससे पहले प्रयागराज में अटाला इलाके में जहां हिंसा हुई थी वहां बुलडोजर पहुंच चुके हैं। प्रशासन की तरफ से घरों के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तो कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि एक सवाल जो सभी के मन में था वो ये था कि जब नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जो इतनी अभी मगजमारी देखने के लिए मिल रही है, उनका बयान काफी पहले का था, काफी पहले वो बयान दिया गया और जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन काफी वक्त बाद जो है देखने के लिए मिला। यानी अगर आप डेट वाइज बात करें तो तकरीबन 10 से 12 से 15 दिन का जो अंतराल है, इसके बाद इस तरीके से एक्शन देखने को मिला। तो जिन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ थी एक स्टेटमेंट से, तो वो रिएक्शन उसी वक्त देखने के लिए मिलना था। ये जो 10, 12 या 15 दिन का जो अंतराल है जिसके बाद ये जो है इस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि लोगों को बरगलाया गया, प्रॉपर प्लानिंग की गई, प्लानिंग में जो है इन्वेस्ट किया गया और इसके बाद पूरे सुनियोजित ढंग से, तो साफ तौर पर सोची समझी साजिश के तहत प्रयागराज, कानपुर जो है, फिरोजाबाद जो है, लखनऊ, कई जगहों पे उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में भी देखने के लिए मिला, रांची में भी देखने के लिए मिला, कोलकाता में भी देखने के लिए मिला, कोलकाता में भी हावड़ा में 144 लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से माहौल जो है लगातार और एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में माहौल जो है खराब होता हुआ नजर आया। तो इसके पीछे साफ तौर पर कोई ऐसा अचानक से ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अलग अलग राज्य है वहां पर जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज के बाद मुसलमान इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत अब जो मास्टर माइंड है जिन्होंने इसको पूरा अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA ने डेमोलिशन के नोटिस जो है प्रयागराज के वायलेंस अक्यूज जावेद अहमद के घर के पास लगा दी है। उन्हें घर को 11 बजे तक खाली करने का आदेश जारी कर दिया था, क्योंकि उनका घर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। हमने आपको यह भी पढ़कर सुनाया कि उसमें क्या लिखा हुआ है। 24 तारीख का समय है, कहा गया है कि जवाब बताओ नोटिस है, 24 तारीख को उन्होंने कहा है कि पेश होना पड़ेगा, नहीं तो 25 तारीख को इसे लेकर और जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से जावेद अहमद के ऊपर जो है कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। जो मेन अक्यूज्ड है, मास्टरमाइंड है प्रयागराज वायलेंस के, इसी के साथ कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद भी जो है इस तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला था। आने वाले वक्त के साथ इस पूरे मामले पर जो अपडेट आएगी हम उससे आपको अपडेटेड रखेंगे, साथ ही साथ कानपुर, लखनऊ इनसे जुड़े हुए जो भी अपडेट आते रहेंगे उस सब आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा जो है बड़े विस्तार से जान और लिया है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।